सम्मान करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, दिया फकीरों ने संकेत, कब्रिस्तान नहीं है पेट। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम, शरण कमल विसरु नहीं, जय गुरुदेव नाम। तो ये वो नाम है कि जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा, कल जो केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, नाम ले तो बहुत सिंह सुखाही सुजन विचार कर, राम न सकह नाम गुण गाई, कहलक करो मैं नाम बढ़ाई, वो नाम आपको बताऊंगा। तो वो नाम है ध्वन्यात्मक नाम। आवाज से ही ये सारा संसार बना है, शब्द से ही यह सारा संसार बना है, और शब्द का खिंचाव हो जाता है, आवाज जब खींच ली जाती है तब कुछ नहीं बचता है। तो उसी आवाज से ये उतरे हुए नाम हैं। अब वो उतरते उतरते नाम बदल गया, ऊपर तो आवाज एक ही मिलती है लेकिन वो बदलती जाती है। आप देखो, जैसे आपके यहाँ बोरिंग होती होगी तो पानी निकलता है, तो मोटे पाइप से जब आप पानी निकालो तो उसकी आवाज अलग रहती है, और उसमें पतला पाइप लगा दो तो उसकी आवाज़ अलग हो जाती है, और फव्वारे जब लगा दो तो उसकी आवाज़ अलग सुनाई पड़ती है। ऐसे ही आवाज़ उतरते उतरते बदल गई, तो नाम में वो बदल गया, तो वो नाम आपको बताऊंगा। यह है ध्वन्यात्मक नाम, यह निर्मायक नाम है। निर्मायक किसको कहते हैं? जो माया के श्लोक में नहीं आते हैं और जो माँ के पेट में नहीं पलते हैं, धरती पर जन्म नहीं लेते हैं, उनका नाम, वो नाम निर्मायक नाम कहलाता है, वो निर्मायक होते हैं। और जो माँ के पेट में पल करके बाहर निकलते हैं, मनुष्य शरीर में रहते हैं धरती पर, उनको जीवों के लिए काम करने का, लोगों के लिए काम करने के लिए भेजा जाता है, वो लोग भी एक नाम को जब आते हैं तो जगाते हैं, बताते हैं लोगों को, उससे फायदा दिलाते हैं। जैसे त्रेता में राम आए थे तो उन्होंने राम नाम में ताकत भर दिया। आप देखो, राम राम उस समय जो जहाँ बोले फायदा हुआ, पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था, सारे पत्थर तैरने लगे थे। कब? कि जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए राम जा रहे थे, समुद्र में पुल बनाने की जरूरत पड़ी थी। कृष्ण आए, कृष्ण कृष्ण जिसने पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले, द्रौपदी को बारह ग्रह को तमाम ऐसे उदाहरण मिले। जब ये लोग गए, जब आप समझो त्रेता द्वापर गया तो कलयुग आया, कलयुग में कबीर साहब ने सत साहब नाम, सत नाम यानी उन्होंने जगाया, वाहे गुरु जगाया किसने? नानक जी ने। गुरु का जलवा जब अंतर में देखा तो बोल पड़े, वाहे गुरु वाहे गुरु, वारे मेरे गुरु, क्या जलवा है अंतर में आपका। तो वही वाहे गुरु में ताकत आ गई। इधर जब शिवदयाल जी महाराज आए तो राधा स्वामी नाम उन्होंने जगाया, और जब आई समझो कि हमारे गुरु महाराज आए तो उन्होंने गुरु नाम को जगाया, गुरु के पहले जय लगाया, जा माने जय मान, या माने जो जो हमेशा रहे। तो हमेशा कौन रहता है? गुरु रहते हैं, और देने वाले कौन होते हैं? गुरु ही होते हैं। आप ये समझो गुरु का काम यानी समझो देना ही होता है। तो देव इसलिए लगाया, देवता कहते हैं ना कि लेवता नहीं होते हैं। अब आप अगर कोई भूल में भ्रम में पड़ जाओ कि बकरा चढ़ाएंगे देवी के मूर्ति के सामने, देवता के मूर्ति के सामने, तभी मेरी तकलीफ दूर होगी, तभी हमको धन मिलेगा, तो यह आपकी गलती मानी जाएगी।
कभी देवता उसको नहीं कबूल करते हैं बल्कि सजा दे देते हैं। इसलिए कोई भी बलि अगर आप चढ़ाते हो तो बलि मत चढ़ाना, तो देव मैंने देने वाला है। तो ये जय गुरुदेव नाम ये गुरु महाराज ने हमारे जगाया। अब जगाते कैसे हैं ये भी बता दें। आप लोग कहीं से जुड़े हुए हो, कहाँ से? उस प्रभु से, परमात्मा से, बहुत पतले तार के द्वारा, जिसको आप देख नहीं सकते हो इन बाहरी आंखों से। और वो तार जब कट जाता है, बस धड़ाम से शरीर गिर जाता है कहीं भी। जैसे बिजली का तार टूट गया तो बिजली गुल हो गई, कहीं भी टूट जाए लाइन जो खींची हुई है, ऐसे ये लाइन खींची हुई है यहाँ से वहाँ तक। और जैसे ये टूटती है तैसे बस ये शरीर धड़ाम से गिर जाता है। लोग क्या कहने लगते हैं? मिट्टी मिट्टी कहने लगते हैं। इतने आदमी बैठे हो, अगर किसी से कहो ये तुम्हारा मिट्टी है, गाली देगा, थप्पड़ मारेगा। ये बताओ, हीरा जैसी काया, मिट्टी बता रहा है। लेकिन मरने के बाद चाहे राजा का शरीर हो, महाराजा का हो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का शरीर हो, सबके शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। कहते हैं ले जाओ इनको जलाओ, नहीं मिट्टी खराब हो जाएगी, जल्दी करो नहीं मिट्टी खराब हो जाएगी। तो तार कहाँ से जुड़ा है? उस परमात्मा से। ऐसे ही नाम को उस परमात्मा से जोड़ देते हैं। आप ये समझो कि मुंह से आवाज निकलती है, किसको बुलाने की? लड़के को। तो चार लड़के हैं जिसका नाम लोगे वही तो बोलेगा। लड़का जा रहा है, लड़के के साथ आप सब लोग जा रहे हो, मान लो आपके बच्चे हैं, चार बच्चे हैं, आपकी पत्नी है। अब छोटे बच्चे को ठोकर लग गई और बोला पापा, तो आप देखोगे। मम्मी, तो मम्मी देखेगी। भाई, तो भाई देखेगा। जिसको बुलाएगा सबसे पहले वही देखेगा, वही भी उसको संभालेगा। ऐसे ही केशो करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के, देखो हमेशा नाम अलग अलग रहा, अलग अलग नाम से अवतारिक शक्तियों को लोगों ने पुकारा, उस प्रभु को पुकारा। तो इस समय पर जो वर्णात्मक नाम है वो प्रभु का जगाया हुआ नाम जय गुरुदेव नाम है। आप लोग जो यहाँ पर पहली बार आए हो, आप आजमाइश करके देख लेना, लोगों को बता देना। जब कभी भी मुसीबत में पड़ जाओ, तकलीफ में आ जाओ, तो जय गुरुदेव नाम को बोलना, मदद होगी। कोई ना कोई सहारा, कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाएगा। देखो जब से मैंने बताया लोगों को नाम धुनी जय गुरुदेव की बोलने की, बहुत लोगों को फायदा हो गया। कैसे भी बोलना रहता है, सुबह शाम एक घंटा बोलना रहता है पूरे परिवार को इकट्ठा करके। और जब से बोलने लगे घरों में, तब से समझो तकलीफें बहुत कम हो गई। कहते हैं कि अब लड़ाई झगड़ा भी बहुत कम होता है, बीमारियां भी निकल रही हैं। रुपया पैसा में बरकत नहीं होती थी, लेकिन अब कुछ है दिखाई पड़ रहा है। कमी बचत तो नहीं होती है, लेकिन कमी नहीं पड़ती है, किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता है। तो आप ये समझो फायदा तो होता है, करके देख लो, आजमाइश करके देख लो। न विश्वास हो तो कैसे बोलना रहेगा, समझ लो। आप जितने लोग आए हो सब समझ लो। और अगर घर में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना। और परेशानी अगर नहीं भी है तो भी बोलोगे तो परेशानियों में ब्रेकर लगेगा। ब्रेकर किसको कहते हैं? ठोकर। ऐसे नहीं परेशानी आ जाएगी, रुकेगी थोड़ी देर। जैसे सड़क पर ऐसे ठोकर बना देते हैं, गाड़ी कितनी भी तेजी से आ रही हो तो रुकती है वहाँ पर। ऐसे ही कोई भी परेशानी आ रही होगी आंधी आफत, तो वहाँ पर रुकेगी और फिर धीरे से निकलेगी, हमला करेगी, जाएगी तो वो अखरेगा नहीं। हल्की हवा अगर लग जाए तो आप उसमें बच सकते हो, संभल सकते हो। लेकिन वो चक्रवात आ जाए, तेजी से हवा जिसमें घूमता है या तेजी से चलता है, तब तो उड़ जाओगे। तो हम तो ये देख रहे हैं कि कोई ना कोई परेशानी तो हर घर में आजकल बनी हुई है। इसी में बहुत लोगों के यहाँ परेशानियाँ हैं। और यह ना बताऊँ तो मैं बता दूंगा कि कोई ना कोई बीमार ही रहता है।
यह भी बता दूंगा कि इनके घर में रोज झगड़ा होता है। यह भी बता दूंगा कारोबार तो बहुत बड़ा है, घर भी है, सब कुछ है, संपन्न दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कर्जदार बहुत हैं, हाय हत्या लगी रहती है, कहीं ना कहीं परेशानी बनी रहती, शांति नहीं मिलती है। और कोई यह न बताओ, आप दो चार लोग कहो तो हम बता देंगे, 10-20 को बता देंगे। तो परेशान तो सब हैं, अब कोई परेशानी को कहने लगता है, कोई नहीं कहता, अंदर अंदर घुटता रहता है, लेकिन इस समय पर तो दुखों का यह संसार हो रहा है। तो सब के लिए ये है, कोई भी हो, देश में हो, विदेश में हो, कोई भी हो, विदेशों में भी खूब नाम धनी करते हैं लोग, आप समझो अमेरिका, आप समझो ऑस्ट्रेलिया, आप समझो लंदन, और ये जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें भी नाम धनी करते हैं लोग, बताया जब से तब से वहाँ सब प्रेमी हैं, सब नाम धनी करते हैं। आप समझो कम है तो जोड़ लेते हैं, वो किससे जोड़ लेते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग से, तमाम जब ये सिस्टम बन गया, एक आदमी बोलता है सब अपने घर में इकट्ठा हो करके उसको दोहराते हैं। तो आप ये समझो कि बोलना कैसे रहेगा, बोलवा करके आपको बता देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, इसी तरह से नाम ध्वनि सब लोगों को बोलना है। और आपके जो भी रिश्तेदार या जो भी प्रिय लोग हैं सबको बता दो, सब लोग बोलें तो तकलीफों में आराम आपको मिलना दिखाई पड़ने लगेगा, आराम मिलना, तकलीफों में आराम मिलना दिखाई पड़ने लगेगा। तो ये तो रहा वर्णात्मक नाम, वो तो जिसको अधिकार ऊपर से मिलता है नामदान देने का, उसके मुंह से जब लोग सुनते हैं आमने सामने बैठ करके, तब अन्य समझो कि वो माना जाता है और तब उसका फायदा लाभ होता है, वरना नहीं होता है। देखो ये पेड़ हैं, आप कहाँ लगे हुए हैं, बहुत सारे पेड़ों को आप जानते हो, कुछ फल देने वाले, कुछ छाया देने वाले, लकड़ी देने वाले होते हैं। तो पेड़ों में पाकड़, रसाल और पीपल, इनका जो बीज है वो नीचे अगर सीधे जमीन में चला जाए या गिर जाए तो जमता नहीं है, पौधा नहीं तैयार होता है। पक्षी फल को खाता है और खाने के बाद उसके मुंह से जो बीज नीचे गिरता है वो जमता है। तो ये आप किसी को मत बताना, और अगर आप बता दोगे तो कहीं ये नाराज हो जाए कि इन्होंने मेरी इज्जत नहीं किया, कदर नहीं किया, कहीं आप टेप करके सुना दोगे तो ये कहेंगे हमारी इज्जत नहीं किया, तो नाराज होकर नुकसान हो जाए, कर दें तो नुकसान का काम कोई मत करना। दूसरी चीज, बच्चे और बच्ची और समझो, अभी आपको आंख बंद करके ध्यान लगाना बताऊंगा, आंख और कान बंद करके भजन करना आपको बताऊंगा, वो जो 2400 घंटे आवाज़ हो रही है, आकाशवाणी जिसको कहते हो, गैबी आवाज़ जिसको कहते हैं, वेदवाणी जिसको कहते हैं, वो जब आप सुनोगे और ऊपर का दृश्य नज़ारा आंख बंद करके देखोगे तो देख करके खुश हो जाओगे, और खुश हो करके दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे बताओगे वो बंद कर देगा। इसलिए कुछ भी दिखाई पड़े, कुछ भी सुनाई पड़े तो किसी को भी मत बताना। आपको न घर छोड़ना, न जमीन जायदाद छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। आपके पास है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, है तो अच्छे घर में रहो, हमारी तरफ से पूरी छूट है।
देखो हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं है, न कोई भाईवाद है, न कोई भतीजावाद है, न कोई जातिवाद है, न कोई एरियावाद है, न कोई जिलावाद है, न कोई भाषावाद है, न कोई बाद है, कोई बात नहीं। केवल एक मानववाद है, केवल एक मानव धर्म है। इंसान होने के नाते आपसे मोहब्बत की जाती है। देखो सबके अंदर, कोई ये बाद वाले भी हों, लेकिन देखो सबके अंदर खून एक जैसा है, हड्डी सबके अंदर एक जैसी है, मांस सबके अंदर एक जैसा है, आँख कान टट्टे पेशाब का रास्ता सबके एक जैसा है। धरती आसमान देखो जितनी भी चीज़ें बनाया उस प्रभु ने सबके लिए बनाया, शरीर भी सबको एक ही जैसा दिया। तो आत्मा उसके जो अंश है उसको देख नहीं पाते हो, शरीर को तो देखते हो, काला गोरा ये सब देखते हो, कपड़ा देख करके, घर गाड़ी घोड़ा देख करके आप उसको प्रणाम सलाम करते हो, लेकिन आत्मा को आप नहीं देख पा रहे हो। आत्मा को अगर देखने लग जाओ तो ये भेदभाव सब खत्म हो जाएगा। तो जो आत्मा को देखता है उसके यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। लेकिन आप कहोगे कि भाई बाबा तो सब जात धर्म छुड़ाए दे रहे हैं, हम कोई जात धर्म नहीं छुड़ा रहे हैं। आप जहाँ रहते हो वहीं रहो, आप जिसके घर खाना खाते हो, चाहे आपके जाति समाज बिरादरी का हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, उसे के यहाँ खाओ, लेकिन शाकाहारी भोजन खाना। जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो वहीं करो, अलग मत करो। हम ये नहीं कहते हैं दूसरे जाति में कर दो, दूसरा धर्म कबूल कर लो, हम ये नहीं कहते हैं। ये जरूर कहते हैं लड़के लड़कियाँ जब बड़े हो जाएं तब शादी ब्याह समय से कर दो, उनको न खोजना पड़े, नहीं तो उनका जो निर्णय है गलत हो जाता है। रूप रंग पर, धन दौलत पर ये बच्चे बच्चियों पढ़ाई लिखाई पर चले जाते हैं और निभता नहीं है। शादी का 2 महीना भी नहीं बीतता है तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं, तो ये न होने पावे। दहेज के मुकदमे में घर भर को जेल न जाना पड़े, यह आपका फर्ज बनता है। बच्चे और बच्चियों की शादी समय पर कर दो, पढ़ाई लिखाई कर लें, देख लो किस लायक हैं, नौकरी काम में लगा दो। बच्चों देखो बेकार का मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो और तैयारी करते रहो, कंपटीशन में जब आ जाना अच्छी नौकरी मिल जाएगी तब ये काम छोड़ देना, तब ये छोटी नौकरी छोड़ देना, लेकिन बेकार न बैठो, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए आदमी को। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बहुत से लोग तो अपने नाम के लिए नाम लिखा देते हैं, हमारे पास पैसा है IAS की तैयारी में भेज दो चला जाएगा। IAS लड़का करता रहता है 5 साल 6 साल तक नहीं कर पाता और पैसा खर्च होता रहता है, नाम के लिए भेज देते हैं। तो नाम का काम ना करो, काम करो, काम कराओ। एक आदमी ने कहा दया हो जाए कंपटीशन में आ जाए, तो हमने कहा कितना परसेंट है तुम्हारा, तो कहा 55%। हमने कहा कौन कंपटीशन में आना चाहते हो, तो काहे को अब छोटा कंपटीशन बताओ, कहा IAS में। तो हमने कहा 95-98% वाले तो IAS में जब सिर रगड़ते हैं, जब वो मत्था आए समझो कि एक तरह से लगा देते हैं उसी में, तब पास होते हैं। तुम 55% में IAS बन पाओ, अरे तुम और कोई नौकरी कर लो। अरे भाई कमजोर तार है बिजली का, तो उसमें 440 वोल्ट का करंट कैसे प्रभावित हो पाएगा, तो टूट जाएगा तार, रबर गल जाएगा। तो ऐसा ख्वाब देखो बच्चों नहीं देखना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जो बच्चे पढ़ रहे हो प्रयास करो, शुरू से प्रयास करो, नंबर अच्छा लाओ, मेहनत करो, इधर उधर से ध्यान हटा दो। देखो इस वक्त पर तमाम लड़के लड़कियां इस तरह के हैं जो अच्छे लड़कों को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, उनका साथ मत करो, अच्छे का साथ करो, पढ़ाई करो, निकल जाओ कंपटीशन में आ जाओ। बहुत लड़के आ रहे हैं, तमाम अपने सत्संगियों के बच्चे कंपटीशन में आ गए, गजेटेड ऑफिसर हो गए, कलेक्टर हो गए, कमिश्नर हो गए, जा रहे हैं। तो उन्होंने ध्यान दिया, किस पर ध्यान दिया, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया, सत्संग के वचनों पर ध्यान दिया, ध्यान लगाया। ध्यान में भी मन को रोका जाता है, भजन में भी मन को रोका जाता है,
और पढ़ाई में भी मन को लगा करके मन को रोक करके पढ़ा जाता है तब याद होता है। किताब पढ़ते रहो मन कहीं और रहे तो याद नहीं होता है। ऐसे सुमिरन करते रहो मन कहीं और रहे तो कहाँ से कबूल होगा। तो देखो सारा गृहस्थ धर्म का पालन करो, गृहस्थ धर्म में रहो तो उस धर्म का पालन करो। भूखा आ जाए रोटी खिला दो, प्यासा आ जाए पानी पिला दो, हो सके किसी की मदद कर दो, तो यह सब करो आप। लेकिन अपने आत्मा के लिए करो, नहीं तो ये समय निकल जाएगा, फिर दोबारा ये मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं। मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा तो आत्मा के लिए काम नहीं हो पाएगा। तो आप तो कहोगे भाई सारी मर्यादा तो आप बता रहे हो, सारे मर्यादा का पालन करना बता रहे हो, लेकिन दक्षिणा वाली मर्यादा को क्यों खत्म करना चाहते हो? दक्षिणा भी दे दो। बहुत से लोग तो पहले ही रखवा लेते हैं, लोटा धोती लंगोटी अनाज बिस्तर सब रखवा लेते हैं, तब कंठी बांधते हैं, छाप लगाते हैं, कान फूंकते हैं, रामाय नमा शिवाय नमा या और नाम बताते हैं। तो यहाँ तो यह सब कुछ नहीं होता है। लेकिन दक्षिणा के लिए मना नहीं करता हूँ, दक्षिणा आप भी दे सकते हो, लेकिन देना क्या है? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, यही आपकी होगी दक्षिणा। बुरे कर्म मत करना, किसी भी जीव को मत सताओ, ऐसा कोई काम मत करो कि जीव हत्या हो। तो जब मांस खाओगे तो जीव हत्या तो होगी। कुछ लोग कहते हैं पैसा देकर लाता हूँ मैं मारता छोड़ो हूँ, मांस खाना बंद कर दोगे, अभी सब लोग खाने वाले बंद कर रहे हैं, तो कोई जीव का कत्ल होगा? कोई जीव को काटेगा? कोई कभी नहीं काटेगा। इसलिए मांस मत खाओ, मांस खून को बेमेल कर देता है, बीमारियों को बढ़ा देता है। यह कोरोना जैसी बीमारी का क्या कारण है? यही मांसाहार है। मांसाहार जब से बढ़ा तब से आप देखो बीमारियां बहुत बढ़ गईं, और शराब का प्रचलन जब से बढ़ा तब से समझ लो अपराध और भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। ये दो चीज़ें अगर देश में बंद कर दी जाएं तो समझ लो भ्रष्टाचार अपराध और बीमारी बहुत कम हो जाएगी, नहीं के बराबर रह जाएगी। तो बंद तो आप नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने अपना पावर किसी और को दे दिया। एक मिनट के लिए 5 साल में आपको पावर मिलता है अच्छे और बुरे को चुनने का। तो उस समय तो आपने देखा नहीं कि आदमी कैसा है क्या है, बटन दबा के चले आए। अब आपका अधिकार उन लोगों के पास पहुंच गया जो लोग इस काम को कर सकते हैं, और उनका नज़रिया अलग है, उनकी सोच अलग है। वो अगर नहीं खाते पीते तो उनके लड़के खाते पीते हैं, उनके रिश्तेदारों की इन चीज़ों की दुकानें हैं, वो अगल बगल वालों से प्रभावित हैं, तो वो भी मजबूर हैं, परेशान हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप अगर चाहो तो विचारों की क्रांति ला सकते हो, जिसको वैचारिक क्रांति कहते हैं। लोगों को समझा करके बता करके भाई मांस मत खाओ, मांस खाने से खून बेमेल हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। देखो मनुष्य का जो खून है वो शाकाहारी है, जब पैदा होता है शाकाहारी होता है, और जो चीज़ खाता है उसी का खून बनता है। तो शाकाहारी में जब मांस का खून मिला तब वो क्रोध पैदा करता है, काम की भावना जगाता है, तमाम बुरी भावनाएं शरीर के अंदर ला देता है, और उसी में आदमी का यह शरीर आदि हो जाता है, बस उसी में खत्म हो जाता है। एक आदमी ने कहा हमारे गांव में तो जवान लोग बुढ़े होते ही नहीं हैं। तो प्रेमी ने कहा बुढ़े नहीं होते, काका क्या खिलाते हो उनको? अरे भैया सब शराबी निकल गए, तो कोई लड़के मर जा रहा है, तो कोई बाइक से गिर रहा है, तो कोई मोटर से लड़ रहा है, तो कोई किसी को मार डाल रहा है। तो अब तो ये गांव चलेगा नहीं, हम लोग मर जाएंगे तो बुढ़ा कोई हो गए नहीं, ये तो शराब के नशे में सब मर ही जाएंगे जवान लोग। तो अब आप ये समझो बात को प्रेमियों। तो ये दो चीज प्रमुख है, मांस और शराब, इसको मत खाना। मछली देखो तालाब की सफाई के लिए बनाई गई है, मर जाती है पानी के ऊपर तैरती है तो गिद्ध और कौवा खाते हैं, और मछली क्या खाती है? पानी में पड़ी हुई चीज़ों को। आप लेटरिन जाते हो, मल त्याग करते हो, उसका टुकड़ा ले जाओ नदी में डाल दो,
तो मछली खा लेगी। कोई जानवर बह करके आ गया, गाय हो, बैल हो, भैंस हो, बकरी हो, मर के मुर्गा मुर्गी हो, बह के आ जाए तो मछली उसके मांस को खाएगी। तो सोचो कितना गंदी चीज है वो मछली, उसी का तो खून बना उसके अंदर। अंडा क्या है, ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो वही बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टे पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो अंडा बन जाता है। तो अंडा बड़ी गंदी चीज है, अंडा मत खाना और न बच्चों को खिलाना। बहुत से डॉक्टर लोग कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, ताकत आती नहीं, ताकत खत्म हो जाती है। कोई डॉक्टर गारंटी नहीं ले सकता है कि अंडा खाने से मर्ज ठीक हो जाएगा या ताकत आ जाएगी। लेकिन जो ऋषि मुनि बता के गए, चना भिगो रात को और वही खिलाओ, दूध पिलाओ खून बढ़ जाएगा, अनार खिलाओ खून बढ़ जाएगा, मूंगफली से ताकत ज़्यादा आ जाती, ये चीज़ें जो बता के गए, सोयाबीन है, आपका मूंग है, ये चीज़ें खिलाओ इससे ताकत बढ़ेगी, ये चीज़ें पक्की हैं जो प्रकृति ने दे रखा है। और ये टट्टी पेशा, इसको खाओगे खिलाओगे बच्चे को तो ताकत आएगी, कोई गारंटी नहीं ले सकता। उन्हीं से कहो कि जो अंडा खाने के लिए डॉक्टर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुर्गी का मूत पियोगे, अरे तो मारेगा, थप्पड़ भगाएगा, कहेगा ले अपनी फीस वापस ले जा, तुझको मुझे नहीं देखना है। पता ही नहीं किस चीज़ का ये बनता है इनको, इनको क्या पता है। बहुत से देखो पढ़ करके डिग्री लेकर आ जाते हैं लेकिन शरीर का पूरा सिस्टम ही नहीं समझ में आता है उनके। अब आजकल समझो कि डोनेशन दे दो, एडमिशन ले लो, घर में बैठ करके पढ़ लो, ऑनलाइन पढ़ लो। अब ऑनलाइन में एक जगह पढ़ाते हैं, कोई जुड़ा कोई नहीं भी जुड़ा, नहीं जुड़े तो क्या हुआ, तो क्या समझ पाएंगे। तो आप ये समझो प्रेमियों, ऐसे लोगों से होशियार रहना, कितना भी कहें अंडा खाओ खिलाओ, न तो खाना न खिलाना। और शराब जैसा बुरे नाशक नशा कोई भी हो, गोली हो चाहे जड़ी बूटी हो, जिसमें माँ बहन की पहचान खत्म हो जाए, बुद्धि खराब हो जाए, वो काम आप मत करना, यही आपकी होगी दक्षिणा। और बाकी है तो आप खूब दूध भी खाओ, 100 गिलास दूध अगर हजम कर सको रोज पी लो, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। जो चीज़ें फल फूल है, साग सब्जी है, प्रकृति ने शाकाहारी के लिए बनाया, मनुष्य के लिए बनाया, उसको खूब खाओ पियो, तो देखो अच्छा समय आएगा, सतयुग फिर धरती पर ही उतरेगा। लिंग पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, उसको सागर में लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में लिखा है, गुरु महाराज भी बराबर कहते रहे कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। लेकिन उससे आने से पहले का जो यह समय है बहुत खराब है, उससे बचना है। सतयुगी जब तक लोग नहीं बनेंगे, आप नहीं बनोगे, सतयुग को देख नहीं सकते हो। कलयुग से ही अगर प्रेम रहेगा तो कलयुग तो जाते समय ले जाएगा आपको बिटोर के, इसलिए आपको सतयुग के योग्य बनने की और लोगों को बनाने की दिखाने की जरूरत है। तो गौ हत्या तो बंद हो जाएगी कुछ दिन के बाद, देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी, मांस मछली की दुकानें भी बंद होंगी, शराब भी बंद हो जाएगी, फिर विश्व में भी यही फार्मूला लागू होगा। लेकिन तब तक जनसंख्या बहुत कम हो जाएगी, इसलिए आपको समझने की ज़रूरत है कि जनसंख्या भी आपके यहाँ की न कम हो, लोग सतयुग को देख लें, ऐसा काम किया जाए और कराया जाए। तो बोलो जय गुरुदेव। देश प्रेम आप लोग बनाए रखना, देश की संपत्ति का कोई नुकसान न हो, किसी का भी कोई नुकसान न हो, ऐसा काम आपसे न हो जाए कि किसी को तकलीफ हो, आप इस चीज़ का सब लोग ध्यान रखना, कोई नुकसान वाला काम नहीं करना है। बोलो जय गुरुदेव। देखो प्रेम,
इस धरती पर ही सतयुग आने का संकेत मिलता है। कुरान के 40वें अध्याय में भी लिखा है, सुसागर में लिखा है, जगन्नाथ दास पुरिया किताब में भी लिखा है। गुरु महाराज का तो हमारे बराबर ये कहना रहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो सतयुग तो ऐसे नहीं आ जाएगा, या तो वो कलयुग के लोगों की, कलयुगी लोगों की सफाई करेगा, और या तो सतयुग देखने के लायक बन जाएंगे लोग। तो बराबर हम लोगों का प्रयास ये चल रहा है कि सतयुग देखने के लायक लोग बन जाएं, क्योंकि ज्यादा लोग खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो सतयुग आकर ही क्या करेगा, उसका आनंद कौन लेगा। इसलिए प्रयास यही है कि लोग शाकाहारी हो जाएं, नशा मुक्त हो जाएं, जीव हत्या न हो, गौ हत्या बंद हो। हमारा तो अभियान ही यही चल रहा है, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ, धरती पर सतयुग ले आओ, सुख शांति का बिगुल बजाओ। ये तो हमारा अभियान ही चल रहा है। लाखों चिट्ठियां भेजी गई, लेकिन अब वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। कुछ समस्याएं हैं, कुछ क्या हैं, ये तो समझो हम समझ रहे हैं क्या है, लेकिन प्रेमियों ये बता के जाता हूँ आज, एक दिन देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी। और आप ये समझ लो, जिस दिन गौ हत्या बंद होगी, घोषणा होगी, गाय राष्ट्रीय पशु बनाएंगे ये लोग, कोई भी बना दे, श्रेय कोई भी ले ले, लेकिन होगा। जहां गौ हत्या बंद का ऐलान हुआ, वहां समझ लो कि सतयुग की किरण इस धरती पर आने की पड़ने लग जाएगी। और भारत में जहां बंद हुआ गौ हत्या, जहां विदेश के भी लोग मन बना लेंगे गौ हत्या बंद कराने का, उसी समय के बाद कई देशों में बंद होने लग जाएगा लगातार। ये भी आपको बता दूं, चाहे स्वतः लोग बंद करेंगे जीव हत्या, चाहे शासन के द्वारा दबाव पर बंद करेंगे, चाहे कुदरत बंद कराएगी, लेकिन जीव हत्या बंद हो जाएगी। क्योंकि सतयुग में जीव हत्या नहीं होती थी, सतयुग में हिंसा हत्या नहीं होती थी, आज की तरह से ठगी नहीं था, आज की तरह से जाल फरेब नहीं था, आज की तरह से झूठ नहीं था। उस समय लोग सत्य बोलते थे, हिंसा हत्या नहीं करते थे, सेवा भाव लोगों के अंदर में था, लोग योगी और विज्ञानी थे, लोग साधना करते थे, आंख बंद करते ही ऊपरी लोकों में चले जाते थे। तो सतयुग में ये लोग ही रहेंगे और बुरे लोगों का होगा खात्मा, फिर तकलीफें आएंगी। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव जय जय गुरुदेव।